हम पढ़ रहे थे लिंग निर्धारण, और लिंग निर्धारण के अंतर्गत अपना आज पांचवी चौथी क्लास है ये, जिसके अंतर्गत अपन लिंग निर्धारण की पांचवी विधि के बारे में पढ़ेंगे। और लिंग निर्धारण की पांचवी विधि है आपके अगुणित द्विगुणित विधि से लिंग निर्धारण। इस विधि में क्या होता है कि अगुणित और द्विगुणित विधि से लिंग निर्धारण होता है। इसमें नर अगुणित होता है और मादा द्विगुणित होती है। तो इस विधि से लिंग निर्धारण किन किन में पाया जाता है, वो है आपके जैसे आपके कीट है, इन कीटों का एक गण होता है, उसका नाम है हिए मनोपटेरा गण, या हाय मनोपटेरा गण भी बोलते हैं इसको, जिसके अंतर्गत आपके आती है मधुमक्खी है, ततैया है। इसमें क्या होता है कि अगुणित द्विगुणित विधि से लिंग निर्धारण होता है। मधुमक्खी और ततैया में नर अगुणित होता है लेकिन मादा द्विगुणित होती है। जिन अंडों में निषेचन हो जाता है वे द्विगुणित हो जाते हैं और मादा के रूप में विकसित होते हैं, लेकिन जिन अंडों में निषेचन नहीं हो पाता है वे अंडे अनिषेक जनन द्वारा नर के रूप में डेवलप होते हैं। यानी सबसे पहले अगुणित शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं और उनमें निषेचन हो जाता है, तो जो द्विगुणित संरचना बनती है वो द्विगुणित संरचना मादा कीट के रूप में विकसित होती है। और जिन अंडों में निषेचन नहीं होता है वे अंडे अनिषेक जनन के रूप में या अनिषेक जनन द्वारा नर के रूप में डेवलप होते हैं। अब अपन इस क्रॉस के बारे में बात करते हैं। तो इसमें मेल है वो अगुणित होता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 16 होती है, और फीमेल है वो द्विगुणित होती है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 32 होती है। इसमें क्या है कि एक मेल है वो ड्रोन के रूप में विकसित होता है, और उस ड्रोन से उस ड्रोन का कार्य है शुक्राणु का निर्माण कर मादा के साथ निषेचन करना। यानी जो मधुमक्खी और ततैया है इनका जो नर है उस नर को अपन ड्रोन कहते हैं, और इस ड्रोन का क्या कार्य है शुक्राणु का निर्माण करना और मादा के अंडे के साथ निषेचन करना, ये नर के कार्य हो। दूसरी है आपके फीमेल। उस फीमेल से क्या होता है कि दो प्रकार की फीमेल का निर्माण होता है, एक फर्टाइल फीमेल और दूसरी नॉन फर्टाइल फीमेल। जो फर्टाइल फीमेल होती है वो निषेचन योग्य होती है, और जो नॉन फर्टाइल फीमेल है वो निषेचन योग्य नहीं होती है। फर्टाइल फीमेल का क्या कार्य होता है, अंडों का निर्माण करना, और ड्रोन का कार्य भी क्या है, शुक्राणु का निर्माण करके मादा के अंडे को निषेचित करना। तो जो फर्टाइल फीमेल है उस फर्टाइल फीमेल के अंडे है वो अंडे नर के शुक्राणु के साथ निषेचन करके जो द्विगुणित संरचना बनाते हैं उस द्विगुणित संरचना से क्वीन या रानी मधुमक्खी का निर्माण होता है। और जो नॉन फर्टाइल फीमेल है उसका क्या कार्य है, उसका कार्य है जो भी निषेचन के अलावा कार्य होते हैं छत्ते में वो सभी कार्य नॉन फर्टाइल फीमेल करती है, जैसे हनी का संश्लेषण करना। छत्ते में मधुमक्खियां बैठी है उसमें से जितनी भी वर्कर या नॉन फर्टाइल फीमेल है वो सब जाएगी फूलों से पेड़ पौधों से इनसे शहद इकट्ठा करेगी। इसके अलावा रॉयल जेली स्रावित करना। रॉयल जेली क्या होता है कि जो भी नर और मादा है उनमें निषेचन हो जाता है, निषेचन के फलस्वरूप जो द्विगुणित संरचना बनती है उस द्विगुणित संरचना को पोषण के लिए रॉयल जेली की आवश्यकता होती है, और ये रॉयल जेली नॉन फर्टाइल फीमेल है वो स्रावित करती है। और ये नॉन फर्टाइल फीमेल है उसमें कहाँ से स्रावित होता है, हाइपोफेरिंक्स से रॉयल जेली स्रावित होती है।
इसके अलावा वर्कर फीमेल का क्या कार्य है? समूह को सुरक्षा प्रदान करना, छत्ते में जितनी भी मधुमक्खियां हैं उनके ड्रोन है, क्वीन है, छोटे लार्वा है, उन सब की सुरक्षा करने का कार्य क्या है? वर्कर फीमेल का है, नॉन फर्टाइल फीमेल का है। इसके अलावा क्या कार्य है? वैक्स ग्रंथियों से वैक्स स्रावित करना, यह भी वर्कर फीमेल का कार्य है। फैनिंग या छत्ते का निर्माण करना, इसके अलावा छत्ते की सफाई करना, ये सब कार्य है जो वर्कर फीमेल के होते हैं। जनक फीमेल है वो द्विगुणित होती है और उसमें गुणसूत्रों की संख्या 32 होती है, जबकि जनक मेल है उसमें गुणसूत्रों की संख्या 16 होती है। और उसमें क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अगुणित है, जो अगुणित ही युग्मकों का निर्माण होता है। इसके अलावा जो फीमेल है द्विगुणित, उसमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। उन अर्धसूत्री विभाजन से 50% अंडाणु नॉन फर्टाइल होते हैं और 50% अंडाणु फर्टाइल होते हैं। जो नॉन फर्टाइल अंडाणु होते हैं वो नॉन फर्टाइल अंडाणु क्या करते हैं? बिना निषेचन के अनिषेक जनन द्वारा अगुणित लार्वा का निर्माण करते हैं और उस नॉन फर्टिलाइज एग से अनिषेक जनन द्वारा जो लार्वा बनता है वो लार्वा मेल या ड्रोन के रूप में डेवलप होता है और जो फर्टाइल एग है वो माइटोसिस से उत्पन्न स्पर्म यानी अगुणित शुक्राणु के साथ निषेचन करके द्विगुणित लार्वा बनाता है और ये द्विगुणित लार्वा फीमेल लार्वा होता है। इस फीमेल लार्वा में से जिस फीमेल लार्वा को फीड के रूप में रॉयल जेली मिलती है वो फीमेल लार्वा क्वीन फीमेल के रूप में डेवलप होता है, यानी रानी मधुमक्खी के रूप में विकसित होता है और छत्ते में एक नई रानी मक्खी का निर्माण हो जाता है। और जिस लार्वा फीमेल को या फीमेल लार्वा को फीड में रॉयल जेली नहीं मिलती है वो वर्कर फीमेल के रूप में डेवलप होता है, श्रमिक फीमेल के रूप में डेवलप होती है। उसका कार्य क्या है? उसका कार्य ये छत्ते का निर्माण करना, समूह की सुरक्षा करना, वैक्स स्रावित करना, शहद का संश्लेषण करना, ये सब कार्य आपके होते हैं वर्कर फीमेल के। और जो क्वीन फीमेल है उसका कार्य है निषेचन करके अपनी वंश वृद्धि करना और नई मक्खियों का निर्माण करना। इस प्रकार हनीबी के ड्रोन का कभी कोई फादर नहीं होता है लेकिन मदर होती है, यानी जो मादा मक्खी थी उस मादा मक्खी से अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप दो प्रकार के युग्मक बनते हैं, उसमें से 50% अंडाणु निषेचन योग्य होते हैं और 50% अंडाणु निषेचन योग्य नहीं होते हैं, नॉन फर्टाइल होते हैं। जो नॉन फर्टाइल अंडे हैं उनसे मेल का निर्माण होता है और जो फर्टाइल अंडे हैं उनसे फीमेल का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि उनमें निषेचन होता है। उनमें निषेचन होता है इसलिए जो फर्टाइल एग है यानी मादा है, श्रमिक मादा है, क्वीन है, उसका माता और पिता दोनों होंगे, लेकिन जो ड्रोन होता है उस ड्रोन का कोई फादर नहीं होता है, उसकी केवल मादा होती है, लेकिन उस ड्रोन का ग्रैंड फादर ज़रूर होता है। ग्रैंड फादर इसलिए होगा कि मान लो उस मादा, जिस भी मादा का अगुणित या बिना निषेचित अनफर्टाइल जो एग है वो अनफर्टाइल एग भी पहले शुरुआत में किसी मादा के फर्टाइल एग में निषेचन के फलस्वरूप पैदा हुआ होगा, इसलिए उसका ड्रोन का
या मेल काम। ग्रैंडफादर होता है लेकिन फादर नहीं होता है। इसी प्रकार ड्रोन के कोई सन नहीं होती है, जो ड्रोन है उसकी कोई सन नहीं होती है, केवल डॉटर होती है। यानी जो ड्रोन है उस ड्रोन का कोई भी पुत्र नहीं होगा, बेटा नहीं होगा, उसकी केवल पुत्री होगी, और पुत्री वो भी मादा के रूप में होगी। वो मादा वर्कर फीमेल भी हो सकती है और क्वीन फीमेल भी हो सकती है, लेकिन वही ग्रैंडसन यानी पोता उसका हो सकता है। दादा होएगा तो दादा का पोता भी होएगा। अब अपन बात करते हैं पार्थेनोजेनेसिस के बारे में कि पार्थेनोजेनेसिस या अनिषेक जनन किसे कहते हैं। इसका मतलब होता है कि जब बिना निषेचन के भ्रूण का विकास होता है तो उसे पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, और ये पार्थेनोजेनेसिस की क्रिया है जो मेल ड्रोन में पाई जाती है, मधुमक्खी के नर में पाई जाती है, जो बिना निषेचन के डेवलप होता है। तो ये आपके अगुणित द्विगुणित विधि से लिंग निर्धारण हो गया। वातावरण द्वारा जो लिंग निर्धारण है वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे कि वातावरण द्वारा पशु पक्षियों में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है।